बच्चे तो ये सारी गलतियां करता है यार। गलती मारू एक यार, गलती की यार, गलती की मादर। मैंने कहा दाढ़ी का भी बनाना चाहिए आपने। गलती की मादर, सर गलती की मादर, ऐसा नहीं होगा। ये मैं इट में आगे तेरा सर खोल देवा, सर पता चले तेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसकर मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद है अल्लाह पाक से नेक औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक से शिफा दे, जो रिज़्क रोज़ी की तंगी में है अल्लाह पाक जो उसे हक हिला रिज़्क कमाने की तौफीक दे और उसके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। तो उन लोग के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं जो बहुत तकलीफ़ में, बीमारी की हालत में, अल्लाह पाक जो है उन्हें उनकी तमाम बीमारियां जो है वो दूर फरमाए। और जो मेरे बहन भाई माजूर हैं, चल फिर भी नहीं सकते, तो अल्लाह पाक जो है उनको चलने फिरने की तौफीक दे और उसको जो है तमाम जहान की खुशियां नसीब हो, आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ जो है हमारा व्लॉग हो गया शुरू, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि सुबह का टाइम है। हमारी सुबह की रूटीन जो है वो करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर। तो जाना कहीं नहीं, रहना है हमारे साथ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे न्यूज़ देखने वाले बहन भाई हैं, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और वीडियो जो है जितना भी हो सके अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं करती हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो ज़्यादा वो क्या कहते हैं बात मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे आंखों का मसला है। और जो है मैं, कोई मेरे बहन भाई बोलेंगे ये जिन्ना नवा ड्रामा कर लिया, या इसका फैशन है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ये मजबूरी है, मेरे आंखों का जो है ना कुछ मसला बन गया था। तो कल मैं गई थी शहर डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, उधर से चेक करवा के मैं दवाई भी लेकर आ गई हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो है चश्मा जो है वो दिया है, ये पहनना है, क्योंकि ये ठंडक के लिए है, ये नज़र वाला नहीं है, जो दीद वाला चश्मा होता है वो नहीं है, ये ठंडक वाला है। और जो है ना आँख के अंदर जो है फोड़े से बन गए थे और जो है ना ज़ख़म हो गए थे, तो इस वजह से ना बहुत तकलीफ़ होती थी, आँखों में पेन होती थी, दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए दीद भी कम हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने अभी जो है दवाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये दवाई जो है आप खानी भी है और आंखों में जो है कतरे वगैरह ड्रॉप वगैरह वो डालने भी हैं, तो जब ये ज़ख़म छूट जाएंगे तो फिर जो है चेकअप करवाने जाऊँगी, फिर वो बताएगी कि नज़र की जो है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है या नहीं है। तो वो भी प्यारे बहन भैया मेरे लिए आपने बहुत सारी दुआएँ करनी है कि मैं सेहतियाब हो जाऊं। तो फिर जो होगा नज़र वाला जो चश्मा होगा वो ज़रूरत पड़ेगा तो देगी, नहीं पड़ेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि दवाइयों के ज़रिए जो है मैं बिल्कुल सेहतियाब हो जाऊं। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, तो चलते हैं अपनी वीडियो। आ चुकी हूँ अपने किचन में, किचन में जो है ये मेरी बेटी बैठी है और चाय जो है वो बना रही है। तो डॉक्टरों ने जो है मुझे मना किया है किचन का काम जो है अपने खुद कुछ भी नहीं करना, तो इसलिए ना मैं किचन का काम वगैरह जो है वो नहीं करती। तो बच्ची जो है मेरी उसको मैंने जगाया है और बर्तन जो है मैंने धुलाई करके उनको दे दिए हैं। तो मैंने कहा है कि मुझे तो मना किया है डॉक्टरों ने कि आपने ना कोई आग का काम हो, मिट्टी का काम हो, या कोई गैस सिलेंडर का जो है ना उसके तो इन्हें ज़रा सा नज़दीक भी नहीं जाना। तो इसलिए ना सुबह सुबह मैंने कहा है और तो कुछ नहीं बना सकते, लेकिन बेटी को कहा है कि चाय बना के बच्चों को खिला दें, चाय और केक वगैरह या पापे वगैरह लेके नाश्ता उनका हो जाएगा। तो फिर जो है 9-10 बजे होटल जो है वो खुल जाते हैं, तो आटा गूंद के दे देंगे और मौज़ा मलिक को, वो जाएगा रोटी भी लगवा के आएगा और सालन भी लेकर आएगा, तो फिर बच्चों ने नाश्ता करना है उनके साथ। और तो मेरे घर आए कोई नहीं,
काम करने वाला, और सवेरा जो है वो छोटी सी है, इतना से ज्यादा काम वो नहीं कर सकती। कल भी मेरे मेहमान थे और मेरी अपनी फैमिली भी थी, तो छोटी मेरी सिस्टर है जो साहिबा, उनको मैंने कहा है चलो आप सालन बना लो और रोटी जो है तंदूर से लगवा लेंगे। रोटी हमने लगवा ली, फिर इकट्ठे दोनों फैमिली मिलजुल के खा पी लिया। तो आगे अल्लाह पाक खैर करे, कोई इतनी बड़ी परेशानी ना हो, तो इंशाल्लाह दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सके जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊंगी, तो फिर जो है अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाऊंगी, और क्योंकि मेरा जो है यूट्यूब पे काम करना है ये भी ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए रोजी करनी पड़ती है। ये ना कर पाई तो फिर क्या करेंगे। आपको पता है कि एक दिन जो है वीडियो ना डालें तो चैनल को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो इसलिए वीडियो बनाना भी मेरी मजबूरी है। मैंने कहा है जितना बन सकती है बना लेती हूँ, बाकी की जो है मौज़म अली आ जाएगा और मुखलिस आ जाएगा, वो खुद बना लेंगे। तो ये काम भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जॉब है, हमारी जॉब पे टाइम देना पड़ता है और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। महंगाई इतला हो चुकी है, कोई चीज जो है पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है, इतनी परेशानी है। फिर हम काम नहीं करेंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएं लिखाएंगे, कहाँ से ये मकानों का काम हो रहा है, ये कहाँ से पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह बहन भाइयों की मोहब्बत है, दुआएं हैं, तो जल्द से जल्द मैं सेहत याब। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? तो ठीक, और मैं भी ठीक हूँ। सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो, वीडियो स्किप बिल का करना, तो हमारा व्लॉग शुरू चलता है व्लॉग की तरफ। तो आज मेरी अम्मी जान की है जो है वो आँखें जो है ख़राब हो चुकी हैं, तो अम्मी के लिए दुआ करनी है, हमारे लिए भी दुआ करनी है कि हमारे घर बन जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि अंदर वाले जो कमरे हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस थोड़ा सा काम रहता है और ये जो है ना वो करना है, क्या अंदर से जो है कलर करना है कमरों को, और सीलिंग करवानी है, वो जो जब अल्लाह पापा से देगा तो हम करवाएंगे, अभी तो नहीं करवा रहे। तो अभी जाइए, देखे ये कल मिस्त्री भाई आए थे और ये जो है ना ये इतनी दीवार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आ जाएंगे फिर पूरी देंगे वहाँ तक, तो वहाँ से देंगे। फिर ये है करके सीढ़ी भी यहाँ से करनी है, और बैठक भी वहाँ पे, गेट भी, और भी ऊपर भी बनाने हैं दो कमरे छोटे छोटे जैसे चाचा अकरम के हैं वैसे। तो ये वो आज आएंगे, तो आज कुछ दो मिस्त्री है ना, एक पहले एक मिस्त्री था, तो एक में दो एक मिस्त्री में आ जाना, एक मिस्त्री पूरा नहीं हो सकता था, तो यहाँ से एक मिस्त्री जो है ना या दीवार देगा और एक मिस्त्री जो है ना ये इसके वो दूसरा होता है आरसीसी वाला, वो इसकी सीढ़ी के वो पट्टे करेगा, तो लगाएगा, फिर भराई करेंगे, फिर जो है ना वो ऊपर और नीचे बनाएंगे, वो आपके शेयर करेंगे, तो रहना हमारे साथ वीडियो करना। तो ये देखे ये अम्मी की दवाई है, ये कल जो लेके आई थी, ये जो है टैबलेट जो है ये भी अभी खाने हैं, और यहाँ से ये जो है ना ये कतरे हैं ये वाले, ये भी अभी डालने हैं, और ये जो है ना एक दवाई है ये वाली, ये अभी नहीं डालनी अभी ये डाल रहा हूँ, और ये अम्मी को वो भी खिलाएंगे, तो अभी मैं डाल रहा हूँ। ये तो अभी जो है मेहरान जो है मेरे आँखों में ये कतरे डाल रहा है, रोशनी की वजह से ना मेरी आँखें खुलती भी नहीं है। कितना एक कतरा?
हाँ, एक कतरा एक सांस में और एक ही सांस। दवाई जो है अभी आँखों में डाल दी है, बाकी की टेबलेट वगैरह खानी है, वो नाश्ता करके फिर खा लूँगी। ठीक है मेरा? हाँ जी। बाकी दवाई जो है ना वो शॉपर में डाल के एक जगह में फ्रिज में रख दो। हाँ, फ्रिज में रख दो। अभी जो है अम्मी जो है वो ये टेबलेट खा रही है। अभी जो अम्मी ने टैबलेट जो खा रहे हैं अभी इसको रखते हैं फ्रिज में। पैरवर भाई ये देखिए गदम जो डाल दिया है बोटे में, अभी इसको उठाते हैं। इसको उठा के सेकंड मोटर ले आया हूँ तो वहाँ पे रखेंगे, अभी मैं उठाता हूँ। अभी जो ये देखिए बैग जो रख दिया है, तो अभी जो सेकंड मोटर भी रेडी है, अभी इसको ऊपर रखेंगे फिर ऊपर मैं बैठूँगा। फिर जो अम्मी जान जी आ चुकी हैं। सही नहीं है? नहीं, ये खोल जाएगा। चलो आप फिर खोल के ना फिर जो बांध। चलो अभी इसको बांधते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर हम बैठ रहे हैं, फिर चलते हैं जी। इमरान भी आ गया। एहसान के पांव जल गए हैं। चलो उसको उठाओ, तते जमीन है, जूती नहीं पहनी उसने। अरे भाई अभी जो ये देखे उठाया हुआ है एकदम, ये देखे सेकंड रिपोर्ट रख दिया है ऊपर। तो अभी जा रहे हैं जी चक्की तरफ, तो चक्की पे जाएंगे फिर कदम डालेंगे, तो फिर जो शाम को जो आटा ले जाएंगे, उसको बोलूँगा शाम को आऊँगा, फिर हम उठा के जो है ले जाएंगे। ठीक है जी, आपके साथ वहाँ पे शेयर करते हैं, तो रहना हमारे साथ साथ। मेरे भैया हम जब पहुँच चुके हैं तो चक्की पे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है? ठीक हो? ठीक है, ठीक है, बैठे। अच्छा, तो दाने तोलो एक मान एक किलो, मौसम ना लिखना है। ठीक हो गया, ओके। शाम को चाय चार बजे चलो आ जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। हम जब पहुंच गए घर में, सेकंड मोटर खराब दिया है, तो अभी चलते हैं जी घर की तरफ, तो वहाँ पे जाएंगे तो जो है आपके साथ शेयर करेंगे। उसका जो है पानी लगा रहा है जी, माशाल्लाह जी। सर जी क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह की रहमत। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, खैर पानी लगा रहे हैं, पानी लगा लगा के पेज है लेके जाएंगे, तो मिस्त्री जो है काम कर रहे हैं, तो ये भी पानी जो है लगाते ट्राई करते हैं ना, फिर लेके जाते हैं पेज है वहाँ पे जो है दीवार जो बना रहे हैं, तो आपकी दुआओं से। तो अभी जो है घर पहुँच चुके, एक मान जो है चार किलो साढ़े हो गए, फिर आपको तशेर करते हैं। वजीर भी ठीक हो गए जी? अभी जी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जो है काम हो रहा है अपना चुनाई का, मकान जो है तमीरात हो रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुंशी ने ये क्या कर दिया, काम सारा उल्टा पुल्टा काम कर दिया इसने। ये मुंशी तो बेकार बंदा हो गया है। इसने आज तो ये हद कर दी कि मैंने कहा कि वहाँ पे जो है एरा लगाना था और वहाँ पे जो है वो दाढ़े लगाने थे, लेकिन उसने दो दो पर लगा दिए, दरमियान में लगाया नहीं है दाढ़े। ये क्या वजह हो सकती है? तो मुंशी की खबर लेता हूँ मैं, उसकी तबीयत ठीक करता हूँ। हाँ। मुंशी किधर गया? इधर खड़ा है, नहीं नज़र तो नहीं आ रहा। ये देखें जी, ये तो आप ही खड़े हैं बस, कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुंशी वो लुका पड़ा है, वो मुंशी इधर आ, इधर आ, इधर आ।
ये क्या यार, ये यहाँ पे दाड़े थे, यहाँ पे दाड़े थे, और दरमियान में वॉशरूम के दाड़े क्यों नहीं रखवाए? किधर गया था? मिस्त्री की गलती नहीं है ये मुंशी, तुम्हारी गलती है। मिस्त्री की गलती बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और मिस्त्री का कोई कसूर नहीं है इसमें। काम ही करावाने से मुंशी ने, मुंशी ने काम कराना है, जैसे आपने मिस्त्री साहब को बताना है मिस्त्री साहब ने वैसे करना है। आपने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे दाड़े निकालने थे? ये तो मैं देखता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, इसका नजारा करता रहा हूँ मैं, इसका मैं पता करता रहा हूँ कि इसका एंड क्या होना है। मुंशी पकड़ा गया ना आज पकड़ा गया। हाँ यार, हम मिस्त्री नहीं, हम मजदूर हैं, जरा काम आखो कर। मसले का हाल थी से, बल क्या फायदा आया मैं बेकार गया काम ना सही। वो आदन हाल थी, मसले का हाल थी, टाइम ना जाती थी मिस्त्री साहब, आदन सही हाल थी। ये यार काम औखा बिल्कुल हो गया है ये यार। ए, इस गलती की माजरात माजरात आगे नहीं, माजरात माजरात आगे भी होगी, आगे नहीं होगी। तुम रेस्पॉन्ड नहीं करते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं हो कि कितना जिम्मेदारी है तुम पर। किधर गया था, किधर गया था तुम्हारा दिमाग, किधर गया था तुम, किधर गया था? तुमको रोटी नहीं मिलता, तुमको चाय नहीं मिलता, तुमको पानी नहीं मिलता, कुछ मिलता है अल्लाह का शुक्र। तो ये तुम क्यों भूल जाते हैं ये काम मिस हो गया है? काम क्यों मिस करता है? गलती थी, माजरात, आगे काम फेट फेट होगा। ये अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये किचन की खुदाई, ये खड्डे मार रहे हो, फिर मैंने ये मिट्टी भरा, ये फिर आप खड्डे मार रहे हो, ये क्या ये मसला है? किचन की जो है ना खुदाई हो रही है, एरा निकाल रहे हैं यार, ऊपर से ईंटे लगा के क्यों? ये मेरी ये भरा में पवाई है, तो भरा को चटका रहा है, फिर खड्डे निकाल रहा है। सर जरा ना छत पड़ेगी, इस पर वजन आएगा, ये नहीं, ये तो बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा। हाँ जी, अभी इतने साल नहीं बैठा तो अब बैठ जाएगा यार, कमाल है, बैठ जाएगा। हाँ अजमल पानी पिला, उस साल को पानी पिला, बेहोश ना हो जाए, गर्मी बहुत है। केरी बुनियाद मिलावना है, वो तलवी बुनियाद है जेड छिले जेरी कड्डे से, ए इन कमरे वाली। अच्छा, इधर से जो है अभी ये एरा कर रहे हैं। हाँ जी एरा कर रहे हैं, तो इसकी जब ईंट डालेंगे तो इधर से क्या बनना है? किचन, किचन। अच्छा किचन बनना है। हाँ जी किचन, मुझे तो नहीं है पता, ये आपके चौधरी साहब को पता है, चौधरी साहबा को। हाँ जी, तुम रात इधर बैठे हुए थे, हम जब नाप कर रहे थे। नहीं तुम नहीं थे, मैं इधर मैं काम कर रहा था, मैं काम में मसरूफ था, मैंने ना कुछ सुना है ना देखा है। अच्छा जी, चौधरी साहब ये कहते गए कि इधर जरा ना 11 की एसी रख दें, 11 फुट की। अच्छा 9 फुट की एसी रख दें किचन, ऐसे जैसे एरा मार रहे हैं ऐसे करना है 11 फुट? 11 फुट। अच्छा, तो ऐसे फिर कितना करना है? ऐसे 9 फुट, 11x9 का आप किचन बना रहे हैं? किचन बना रहे हैं। अच्छा खुला बनेगा, सही बनेगा? हाँ जी इंशाल्लाह खुला बनेगा, 4 फुट की आ जाएगी विंडो इधर। हाँ हाँ, इधर विंडो लगाएंगे 4 फुट की, और दरवाजा कैसे लगाएंगे? इस साइड से, इधर दरवाजा लगना है जी, इधर विंडो लगनी है, ऐसे हो गया। हाँ जी, ये इमारत 11x9 की जाएगी ऊपर ऐसे। चलो, उसके लिए टीआर भी जरूरत होंगे, गार्डर भी जरूरत होगा, टीआर भी, गार्डर भी, विंडो भी, दरवाजा भी, चौकटा भी। अभी चलो आज किचन की बात कर लेते हैं, किचन जो है कहाँ पे पहुँचना है, उसका कितना जो है वो आ रहा है, ईंट कितना मतलब के लग जानी है। मामू जी ईंट मंगवानी है, कल खत्म हो गई जो पड़ी थी, खत्म हो गई सारी ईंट, खत्म हो गई, कल की चाल नहीं है, कल की चाल नहीं है। एक तो ईंट मंगवानी है, चलो मैं ईंट का कहता हूँ, दूसरा किचन को सारेंगे तो उसका चौकाट और विंडो लेनी है, चौकाट और विंडो लेनी है, दरवाजा जो है बाद में लगवाना है, दरवाजा बाद में बनवाना है। अभी तो अहम चीज है जो ईंट खत्म हो गई है, ऐसे जे हुन आपको पता होगा कि दरवाजा कितने फुट का रखना है, वो दरवाजा हम देख लेंगे, दरवाजे से इतना रखेंगे चौकाट, दरवाजा इतना रखेंगे, कुछ सामान भी अगर अंदर ले जाना हो तो आसानी से चला जाए। हाँ एक गल भी भूली थी, हाँ तो ही गल मैं डांट खाना हर वेले, वो दिमाग दा थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा आपका। हाँ, हाँ। सेट हो रही थी जरा लू चल लगता। हाँ ते वो चौधरी साहब कहने पियान ते दरवाजा जितने नाप दा रखो ना हुंदो तो मेरे को जाली ला दियो है। अच्छा
किचन जाली मिलती है जिन्हें विच गैस ते धुआं है वो हर से बाहर वेंदी है। ठीक है, वो भी बनवानी है। लोहे दे जाली है या भी है सीमेंट दी जाली मिलती है सी। चलो लोहे के जाली का भी पता करते हैं। हाँ जी, ईंटों का मैं आज कह देता हूँ, ईंटे शाम तक या कल सुबह सुबह आ जाएंगी। ईंट एक नंबर, ये नहीं मंगवाना। अच्छा, ये क्या है? ये ईंट बिल्कुल ये खराब है, खराब है, बेकार है। इसकी तो एक नंबर नहीं है, ये पोजीशन भी नहीं, एक नंबर नहीं है, छोटी है, ना एवरेज है, अढ़ाई इंच की है, चार इंच की होती है, अढ़ाई इंच की ईंट है। अच्छा, और ऐसे नौ नहीं, आठ इंच है, नौ इंच ईंट ऐसी लंबी। अच्छा, चार इंच चौड़ी, चार इंच, ये तो ढाई इंच है, ढाई इंच तो। अच्छा, हाँ जी, उस भट्ठे वाले को कहना कि डेढ़ इंच और ऐसे आठ इंच, इंच उधर से कम है। चलो ये ईंटों का कुछ करते हैं यार, उनको बोल दें बड़ी ईंट दें यार, अच्छी ईंट दे, बेशक 500-400 इजाफे।